दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक यानी पॉलिटिक्स की, राजनीति विज्ञान की हम बात करने वाले हैं। आपको इस सिंपल सी बात में बताऊँ तो राजनीति के अंदर बता दूँ आपको कि पॉलिटिक के अंदर हर एग्जाम में से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। टोटल हम आज 150 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है, किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुई है, तो बताओ किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई, तो ध्यान से देखना। आपका फर्स्ट आता आपका जाकिर हुसैन, आपका दूसरा आता आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ये दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु आपकी पद पर रहते हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संसद के कितने सत्र अधिवेशन सेशन होते हैं, तो बताओ, तो शीतकालीन में 6 और ग्रीष्मकालीन में 6। वैसे माने तो आपको 12 सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं, 12 सत्र होते हैं, 6 शीतकालीन के और 6 आपके ग्रीष्मकालीन के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बता दूं ये क्लास आपके लिए ग्रुप डी रेलवे बीएसएफ ट्रेड्समैन आपकी असम राय पर रेली भर्ती, साथ में सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ पर जो बच्चा आने वाली एसएससी जीडी 2023 की तैयारी करना चाहता है उन सब बच्चों के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आज तक के आईवी क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चनों का लेवल देखकर नहीं पता चलता तो आप ज़रूर बता दीजिए सर ये आईवी क्वेश्चन से नहीं है। बता दूँ आपको बिल्कुल आज तक के आईवी क्वेश्चन है, डेली आपको 150 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आज सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और जिस बच्चे ने टेलीग्राम इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये जैसे ये क्लास खत्म होती है आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से, राष्ट्रपति ने के अध्यादेश जारी करने से इसे कितने माह के अंदर पास करना होता है, तो 6 माह 6 सप्ताह के अंदर इसे पास करना होता है, यानी 6 सप्ताह के अंदर इसे पास करना होता है। अनुच्छेद 123 के तहत होता है ये, कितने अनुच्छेद 123 के तहत, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्य का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 ईयर्स यानी 35 साल व पार करना चाहिए। यूएसए का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो यूएसए का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, भाई बताओ वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, बताओ भाई, तो पिछले वाले कौन थे, पिछले वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, अभी कौन है भाई बताओ, सभी बताओ अभी कौन है, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, तो जॉन बाइडेन। आपके उपराष्ट्रपति कौन है, तो युवा आपकी है कमला हैरिस, जो इंडिया से आपके संबंध रखती है कमला हैरिस। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है, 1 साल के लिए स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति बनता है। एक बात बताऊं क्या, जो अमेरिका से राष्ट्रपति थे ना पिछले बार के, कौन थे, जो ब्लैक, आपको सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर की, जिस वजह से आपको पता है ना अमेरिका में ब्लैक कलर को पहले ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, वो भी आज के ज़माने में नौकरी करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए भाई कि इंडिया के अंदर एक सरपंच बन जाता है ना, उसकी भी आपकी कई पीढ़ियाँ आपकी कमा कर खाती है उस सरपंच गिरी से, तो आपको ये ध्यान रखना है अमेरिका का कानून बहुत ही सख्त है। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 7 वर्ष का होता है। चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। अभी चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो बताओ अभी चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो मैं बता दूँ आपको चीन के हमारे वैसे क्या नाम जानता है, चू चा च्यू के नाम से जानता है चीन को, क्या नाम है अभी हमारे, तो अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति।
और ये चीन की जो बौखलाहट है ना अभी, वो चुनाव के कारण होने वाले, क्योंकि चीन में भी चुनाव होने वाले बहुत ही जल्दी। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, वरना राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली गई, यानी अमेरिका से आपके राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था। सुन ले पाकिस्तान, देख हमारे इंडिया में भी मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं, अब देख ले पाकिस्तान वाले भी। यदि वीडियो को शेयर करके प्रत्येक पाकिस्तान तक ये पूछा दो, भारत का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति के नाम कौन था? तो अब्दुल कलाम आजाद था भाई, जिन्होंने, बता दूं आपको, अखबार बेचने से लेकर आपके राष्ट्रपति तक का सफर तय किया था अब्दुल कलाम आजाद। बहुत ही अच्छे इंसान थे, आपको बता दूं वो कहा करते थे अब्दुल कलाम आजाद कि सपने हमेशा सोते हुए, सपने देखो पर सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे। वो नहीं कि सोते सोते सपने देख रहे हो और सुबह जल्दी भूल गए, नहीं, वो सपने देखो जो कभी आपको सोने ना दे। भारत का मिसाइल मैन राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल कलाम आजाद है भारत का मिसाइल मैन राष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए भाई। इंडिया और आपकी इंडिया में अब्दुल कलाम आजाद ने एक ऐसी आपकी बुलेट बनाई थी जो आपको, जो अमेरिका की बड़े बड़े तोपे थे ना, उनको भेद कर एक इतना बड़ा ब्लास्ट कर सकती थी जो आपकी तोप को पूरे खरपचे उड़ा सकते थे। उस दिन से लेकर अब्दुल कलाम आजाद वैज्ञानिक के नाम से पहचान हो गई। दो योजनाओं का कार्यकाल किस राष्ट्रपति का? तो राजेंद्र प्रसाद का आपका दो योजनाओं तक कार्यकाल है। निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति कौन? आपको अनुरोध चुना गया राष्ट्रपति कौन है? तो बताओ नीलम संजीव रेड्डी है, 1977 में निर्विरोध चुना गया था। द्वितीय चक्कर मतगणना किस राष्ट्रपति के लिए? तो वीवी गिरी के लिए द्वितीय चक्कर की मतगणना हुई। एकमात्र महिला राष्ट्रपति का नाम क्या? तो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो हमारे राजस्थान के छोटी नौसल से बिलोंग करती है, जो हमारे से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो आपका फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद है सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाला। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। किन के द्वारा चुनाव कराता है? जो हमारे चुने गए सदस्य हैं उनसे आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है भाई। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक की आवश्यकता? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता है। राष्ट्रपति की जमानत राशि की? तो 15,000 रुपये आपकी राष्ट्रपति की जमानत राशि है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यूएसए का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो यूएसए का राष्ट्रपति 2 बार चुनाव लड़ सकता है, ओनली बार, 2 बार आपके यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार यूएसए का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आपकी अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू है, ठीक है ना। और आपके ये तो राज्यसभा, लोकसभा के सभापति कौन है इस प्रकार? अभी तो लोकसभा के सभापति तो बता दूं मैं आपको, ओम बिरला है, जो राजस्थान के टोंक जिले से आपके सांसद है। भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा किसे देते? तो उपराष्ट्रपति देते। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, तो ध्यान रखना भारत का राष्ट्रपति हमेशा उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा भाई। भारत का एक गणतंत्र राज्य क्यों है? क्यों भारत एक प्रधान एवं निर्वाचित व्यक्ति है, भारत एक प्रधान एवं निर्वाचित व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भारत में राष्ट्रपति इस्तीफा देने के लिए उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, यानी मैं बता दूँ अभी यदि आपके ये उपराष्ट्रपति जी आपके जो इस्तीफा देंगे तो उसके पहले उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उसको लोकसभा अध्यक्ष को अपने ये सूचना देगा, भाई राष्ट्रपति जी आपके इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसके रूप किसके सहमति से चुना जाता है? सदस्यों के रूप में चुना जाता है। किसके रूप में? सदस्यों के रूप में।
प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन है? तो वीवी गिरी गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति है। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने की कितने माह के अंदर चुनाव होना करना होता है? तो 6 माह के अंदर चुनाव होना होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमण आपका संक्रमणीय पद्धति से, किसे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति से आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे बोला जाता है कि जैसे मान लो कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य के रूप में चुनते हैं, सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि सीधे जनता किस राष्ट्रपति को चुनती है? अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है भाई, ये भी ध्यान रखना। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1962 में पांडिचेरी को आपका भारतीय संघ में शामिल किया गया। भारत के संविधान भारत का किस प्रकार का वर्णित करता है? तो राज्यों को संघ, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप में। वह कौन सी सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा आपका सभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पूरे देश में कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा हुआ? तो 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा हुआ पूरा देश। क्या पंचायत को कर लगाने का अधिकार है? बिल्कुल, पंचायत को कर लगाने का अधिकार दिया गया है भाई। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो आपकी गुलजारी लाल नंदा ने आपके प्रधानमंत्री पद आपका ग्रहण किया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत कहाँ से हुई? तो नागौर जिले से हुई, बगदरा गांव है वहां से आपकी पंचायती राज की शुरुआत हुई राजस्थान में, ध्यान रखना। इंडिया में भी सबसे पहले वहीं से हुई थी भाई, बगदरा गांव, ये भी याद रखना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है राजस्थान के एग्जाम में, तो बहुत बार आता है, पर बता दूं आपकी सेंटर के एग्जाम में भी आ सकता है। बगदरा गांव है राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, मिशन योजना की सिफारिश पर आपका राज्य संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय सभा में संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208। कितने आए थे? 208। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग ने के लिए एक से अलग संविधान सभा चाहता था, यानी अलग संविधान बनाना चाहते थे मुस्लिम। संविधान सभा को कितने रूप किसने मुहूर्त का प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने मुहूर्त रूप में प्रदान किया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में कुल आपके 21 उच्च न्यायालय इस वक्त कार्यरत है, 21 उच्च न्यायालय। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे ये बताओ भाई मेरे को, ये क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपको, तो मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपकी 299 थी। बता दूं आपका इस आप बोलोगे यार, तो अब बता दूं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो अभी भी कर दो भाई, बता दिया उसके बाद तो कमेंट कर दो। संविधान सभा की किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद की रियासत ने आपने प्रतिनिधि ने भाग भाग नहीं लिया हैदराबाद के। भारतीय संविधान में किस अधिनियम में ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में ढांचे को संविधान आपका अधिनियम में घोषित किया गया। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किस पर भेजता? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है। किसके पास भेजता है? उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है। अगला देखते हैं, भारत का लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता? जीवी मावलकर। भारत प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर थे। कौन थे? जीवी मावलकर थे। अभी का बता दिया मैंने कौन है भाई।
बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब बनाया गया? तो 1955 में। कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जो सभी की है। अभी आप सभी के जो वीडियो को देख रहे हो, कोई जो कि नहीं है, बाकी सारे बच्चों की जैसे सीआरपी वगैरह इनकी तैयारी करते हैं ना, 26 साल तक जो बच्चा तैयारी करता है वो सभी की होती है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम संस्कार सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार के साथ आपके सरकार में शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 में शामिल हुई भाई। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने अवधि के लिए चलाया गया? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में, ठीक है ना? ज्यादा दिन नहीं चला यार, ये तो थोड़े दिन चला है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947 को। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हुआ और 31 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक हो गई। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान के निर्माण की पहली आपकी दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्तावना था, तो 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। किसमें? जनता में। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए से आपका शासन। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री आपके थे मनमोहन सिंह, जो नाम मात्र के आपके जिसे मानो तो वैसे बता दूं, मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा आपका अर्थशास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। प्रधानमंत्री पद पर त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग कि में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान में आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एनु एर्नाकुलम में स्थित है। एर्नाकुलम में स्थित है। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधि निर्वाचित कौन करता है? तो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा कर अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? तो 545। कितनी? 545 निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर देखते 39। हरियाणा राज्य का बना? हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों के किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया? तो संसद के सत्र के दौरान। संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद सत्र के आरंभ होने के 40 दिन बाद तक। संघीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो संघीय मंत्रिमंडल के प्रथम त्याग पत्र देने वाले मंत्री थे। भारत की संप्रेक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण कौन है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। बता दूं, BSF ट्रेड्समैन और आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए वो रामबाण साबित होंगे।
लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य चुने जाते हैं। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचिता कृपानी आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या मात्र 1876 थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। बाद में सुप प्रधानमंत्री का आपको बता दूं, जिसे उप प्रधानमंत्री का पद को उठा दिया गया। सबसे लंबी अवधि तक किस ही विधान कार्य भार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी, जो आपके सबसे लंबी अवधि तक संभाला। दादर नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। मूल संविधान में राज्यों की कितने प्रमुखों की रखा गया? तो चार को। लोकसभा के सदस्यों के लिए उम्मीदवारों की कितनी वर्ष कम से कम होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। भारतीय संविधान की किस दिन पूर्ण लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 को। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर भाषा में आपके डोगरी भाषा बोली जाती है। भारत के नागरिकों कितने प्रकार के नागरिक भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता मिली हुई? तो एक ही प्रकार की नागरिकता है भाई सबको। भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 21 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 22 को। कितने भागों में? 22 को। केंद्र और राज्य के बीच में धन बंटवारे के संबंध में कौन सी राय देता? तो वित्त आयोग। कौन देता है? वित्त आयोग देता है। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म और वंशागत या पंजीकरण द्वारा। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक लोकतंत्र को अपनाया है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी। कौन था? जेपी कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 27। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष। तो किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या कम है? तो जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर में। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाएगी? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश की संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो ब्रिटेन का आपका स्पष्ट प्रभाव है, क्योंकि ब्रिटिश का ही राज था तो वहां पर ब्रिटेन का प्रभाव तो होगा ही ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश की संविधान से मिलती है? तो आयरलैंड के सिद्धांत से मिलती है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान को प्रभावित करता है? तो दक्षिण अफ्रीका के। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया? तो 1971 को। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया? तो 1951 को। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हुए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार। भारत की संविधान कब आपका अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, सॉरी। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी अधिकरण की स्थापना की गई? तो 1985 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तो तमिलनाडु। लोकसभा का सचिवालय किसकी देख रेख में कार्य करता है? तो संसदीय मामले की देख रेख में, संसदीय मामले के मंत्री की देख रेख में लोकसभा का
सचिवालय कार्यकर्ता, कुशल नम्रता, स्वतंत्र, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। बता दो आपके 100 क्वेश्चन से ऊपर हो चुके, 35 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य है, किसने कहा था? नहीं तो सरोजनी नायडू का है। बिल्कुल, बता दूं आपको, राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के आपके प्रसाद पर्यंत रह सकता है, वरना राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो 1957 में आपके केरल राज्य में हुई। किस राज्य को विधान परिषद के सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति तैयार करता है। भारतीय संविधान में कितने 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत के शासन अधिनियम 1935 से। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 को। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दल बदल से संबंधित किस प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो संसद के अध्यक्ष करते हैं। 1922 में किस व्यक्ति को मांग की थी भारत जनता स्वयं अपना भविष्य निर्धारण करेगी? तो महात्मा गांधी ने। संसद पर होने वाले खर्चों का किसका नियंत्रण रहता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक का। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? वीएस रमा देवी। कौन थी? वीएस रमा देवी थी। संसद में कोई सदस्य अपने अध्यक्ष को पुनरावित के लिए बिना ही कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे? तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया, तो 60 दिनों तक। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो संसद के 70 शुरू होने पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए? तो मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्णय संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावना पारित की? तो 1936 में। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति के वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्णय का निर्माण करेगा? तो क्रिप्स योजना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त। संविधान संशोधन कितने प्रकार से कह सकते? 5 प्रकार से। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित होते? तो जुलाई 1946 में। किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को, यह राष्ट्रपति को घोषित करने का अधिकार है। तो भाई देखो, बता दूँ आपके टोटल 135 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको ये 135 क्वेश्चनों की यदि PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूँ, ये 1000+ क्वेश्चन है। जैसे ही 1000+ क्वेश्चनों की पूरी क्लास हो जाती है, आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, एक साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और जब बच्चा BSF ट्रेड्सवेयर की स्पेशल तैयारी करना चाहता है तो वो ध्यान से देखे, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जाए। और साथ में बताना चाहूँगा आपको कि जिस बच्चे ने अभी तक मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं, Ajay0303 97। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों। Thank you.